नाम महिमा आत्मा भी व्यंजना व्यंजक पदों में भी नाम महिमा और श्री राम नाम महिमा तो है ही है। जैसे गोस्वामी जी मानस जी के लिए कहते हैं यही महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। ऐसे ही हम विनय जी के संबंध में भी यही कहें यही महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। विनय जी के प्रत्येक पद में नाम महिमा, आप खोजिए हर पद में आपको नाम महिमा मिलेगी। हमको तो ऐसा लगता है जैसे सूरदासी ने कहा है मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। किसी गांव में किसी नगर में किसी बगीचे में किसी वृक्ष पर रहने वाला पक्षी उड़कर कहीं भी किसी वृक्ष पर किसी नगर में किसी झोपड़ी पर किसी मुर्गेरी पर बैठ जाएगा, लेकिन मान लो कोई पक्षी जहाज पर रहता हो और जहाज समुद्र में चल रहा हो तो वह पक्षी जहाज से उड़ान भरेगा तो घूम फिर के लौट के कहां जाएगा। जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनी जहाज पे जावे, ऐसे लगता है मानो गोस्वामी जी वो बहुत बड़ी उड़ान भर रहे हैं, भावों की उड़ान, भाव राज्य में उड़ रहे हैं, लेकिन जब उड़ान भर के पूरी करके आते हैं तो कहां स्थित होते हैं, बोले श्री राम नाम रूपी जहाज पर आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी घूम फिर के फिर नाम पर आ जाते हैं। ऐसा कोई महापुरुष हुआ है तो बताओ जो कहता है, जो महापुरुष कह रहे हैं कि नाम निर्गुण से भी श्रेष्ठ है और नाम सगुण से भी श्रेष्ठ है। हमें तो ऐसा कोई वाक्य कहीं प्राप्त नहीं होता। बोलो श्री गोस्वामी जी महाराज की, परम नाम निष्ठ श्री गोस्वामी जी महाराज की। गोस्वामी जी ने अपने मन में विचार किया, हमें श्री रघुनाथ जी के दरबार में विनय को प्रस्तुत करना है, हमें श्री रघुनाथ जी के दरबार में विनय करनी है, क्योंकि हनुमान जी आदेश देखे गए हैं आप सरकार के दरबार में अपनी विज्ञप्ति निवेदित करो, अपनी विनय को प्रस्तुत करो, और जब सरकार उसे अंगीकार कर लेंगे फिर आज महाराज श्री के पत्र में पढ़ रहे क्या क्या है वो वाक्य क्या है जिसमें विनय जी का उद्धरण दिया, हमको विस्मृत हो रहा है। बाल बांका नहीं हो सकता रघुपति, हां बैर और को कहा सकता होए न बांको बार भक्त को जो कोई कोटि उपाय का, फिर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। इसलिए विनय जी को निवेदित करो राम जी के दरबार में। अब ग्रंथ को लिखने के पूर्व में गोस्वामी जी ने विचार किया कि ग्रंथ विनय में सबसे पहले हम किसकी विनय करें, तो गोस्वामी जी का इष्ट नाम है
उन्होंने दृष्टि दौड़ाई, सबसे बड़ा नामनिष्ठ कौन, सबसे बड़ा नाम जापक कौन? अरे बोले गणेश जी से बड़ा नाम जापक कोई नहीं, यही गणपति वंदना में भाव है। विनय जी में गणपति वंदना पहले, इसका कारण है नामनिष्ठ संत को पहले वंदन किया। क्यों न हो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोते अधिक संत करी ले। नाम में जिसकी निष्ठा नहीं है वो चाहे जितने उच्च कोट के जब तप आदि साधनों से युक्त हो वो है शून्य, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि राम नाम एक अंक है सब साधने सून। अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुण। सबसे बड़े नामनिष्ठ संत कौन? ले श्री गणेश जी सबसे बड़े नामनिष्ठ हैं। महिमा जासु जान गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम पूजा किसकी हो? ब्रह्मा जी के यहां एक प्रश्न उठा, संपूर्ण देवी देवता उपस्थित थे, प्रथम पूजा के योग्य कौन? ब्रह्मा जी ने कहा इस भूमंडल की सबसे पहले प्रदक्षिणा करके जो आवे वो प्रथम पूज्य। देवताओं में बड़ा उत्साह, विविध विविध वाहनों पर बैठ करके, तीव्र गति से उड़ने वाले चलने वाले वाहनों पर बैठ करके देव मंडली चल पड़ी। लेकिन श्री गणेश जी महाराज वे नहीं गए कहीं, बोले हमारा वाहन भी मूसक है, चूहा है, दौड़ेंगे भी तो कितने, मान लो वाहन छोड़ के चले तो स्थूल काय है, स्थूलम खरबतनुम प्रसन्न बदनम, स्थूल काय है, और मोटे आदमी को स्थूल काय व्यक्ति को भागना दौड़ना प्रिय नहीं होता। बैठ गए, बैठे हमसे भी लोग कहते हैं बहुत चला करो, पर हमको बैठने में जितना अच्छा लगता उतना चलने में अच्छा नहीं लगता, यद्यपि चलना हितकारी है पर अभ्यास हो गया बैठने का। स्थूलता शरीर में आने के बाद फिर चलने में थोड़ा आलस्य आता। गणेश जी बोले कौन भाग दौड़ के चक्कर में पड़े, वहीं खड़े खड़े राम 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 राम, नाम के प्रभाव से तुरंत नामनिष्ठ संत का दर्शन हो गया नारद जी का। बोलो श्री नारद जी महाराज की, आप कैसे पधारे? बोले आप सब देवता अपनी परिक्रमा करने गए धरती की, आप खड़े हो? खड़े नहीं तो क्या करें, हम दौड़ में शामिल नहीं। अरे आप विघ्नराज हो, विघ्न विनायक हो, शंकर के सुवन हो, भवानी के नंदन हो, सिद्धि बुद्धि के स्वामी हो, लक्ष्य लाभ के पिताजी हो, आप इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े गुणवान, आप खड़े रह जाएंगे तो ठीक नहीं। आप पृथ्वी की प्रदक्षिणा नहीं करना चाहते क्या? बोले हम करना तो चाहते हैं पर सामर्थ्य का अभाव है। अब आप संत आए हैं और युक्ति बताना संतों का काम, क्योंकि युक्ति से मुक्ति होती है, युक्ति से मुक्ति होती है। संत महाराज बहुत बढ़िया युक्ति बताना जानते हैं, युक्ति जोग जुगति जानी नहीं कपड़ा रंगाए क्या हुआ। हमारे खाक सुख वाले महाराज जी बार बार कहते जोग जुगति जानी नहीं कपड़ा रंगाए क्या हुआ, लाल पहन लो चाहे पीला पहन लो चाहे सफेद पहन लो। भगवत प्राप्ति की युक्ति यदि सदगुरु के चरणों में बैठकर नहीं जाने तो कपड़ा रंगाए क्या हुआ। युक्ति से मुक्ति होती है और नारद जी के जैसी युक्ति बताने वाला कोई दूसरा नहीं है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते
वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। ऐसी युक्ति बताने वाले हैं, कयाधु के पुत्र प्रहलाद को तो भगवान से मिलने की युक्ति पेट में बता दी। बताइए ऐसा कोई उपदेशक होगा जो पेट में युक्ति बता दे भगवान से मिलने की? और अभी जो ध्रुव केवल 5 वर्ष का था, विद्यालय में प्रवेश तक नहीं हुआ था, अक्षरारंभ तक नहीं हुआ, उस ध्रुव को केवल 5 महीने के 6 महीने की अल्प अवधि में, 5 वर्ष की अल्पायु में भगवत साक्षात्कार करा दिया। ये है नारद जी महाराज। नारद जी बड़े ऊंचे गुरु हैं। गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी। वैसे तो नारद जी के बहुत चेला हैं, पर 5 चेला जगत प्रसिद्ध हैं। नाम गिना है, 2 बूढ़े और 3 बालक। बोलो वृंदावन बिहारी। बूढ़े शिष्य हैं व्यास जी, भागवत का उपदेश किया ना, और बूढ़े शिष्य हैं वाल्मीकि जी। कौनस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। बालक शिष्य हैं ध्रुव जी, प्रहलाद जी और चंद्रहास जी। ये 3 बालक शिष्य हैं, तीनों विश्व प्रसिद्ध हैं। बोले महाराज इतना अच्छा महात्मा मिल गया युक्ति बताने वाला, फिर भी हम भागदौड़ के चक्कर में पड़े। आप कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे बिना श्रम के ही हमारा कार्य संपन्न हो जाए। हां, श्रम रहित साधन हम तुम्हें बता रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ तत्व कौन? आप तो विद्या बुद्धि के निष्ठात्र देवता हो। बोले सबसे श्रेष्ठ हैं राम जी। विधि ही विधिता, विनय जी में को सुन। विधि ही विधिता, शिव ही शिविता, हरि ही हरिता जिन दई। जिन्होंने विधि को विधिता दी है, हरि को हरिता दी है, शिव को शिविता दी है, वे श्री रघुनाथ जी हैं। जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभू नचावन वारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। सबसे बड़े कौन? राम जी। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। चलो भाई, तो राम जी सबसे बड़े, राम जी से पूछें आपसे भी बड़ा कोई तत्व है क्या? बोले हां, हमसे भी बड़ा तत्व है क्या? ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, राम चरित सत कोटि महू लिय महेश जिय जान। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाए। महाराज भगत तो ऐसे होते, कहते भगवान और नाम दो चीज खड़ी, नाम और नामी दो खड़े हैं। बोले नामी आपको जहां कहीं घूमना हो घूमिए, नाम हम अपने पास रखेंगे। अब कहीं तुमने नाम जप में विघ्न किया तो जाओ, चेता लो किसी भगत को, मंदिर बनवा लो, हम राम राम करना नहीं छोड़ेंगे, सनातन गोस्वामी जी ने कह दिया। भजन में विक्षेप से सबसे श्रेष्ठ है नाम। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। बोले हां, जब नाम सबसे श्रेष्ठ है तो नाम की प्रदक्षिणा करने के बाद फिर कोई परिक्रमा बाकी नहीं रहेगी।
महाराज तुरंत आपने नाम महिमा को जान करके समझ करके एक शिला जी को सुंदर गंगा जी के जल से धोया और चंदन से उस पर लिखा श्री राम और नेत्रों से अश्रुधार बह रही है और गणेश जी परिक्रमा कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम हम लोग भी गणेश जी के साथ परिक्रमा कर लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम 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 बड़ा आश्चर्य देवताओं के बड़े बड़े तीव्रगामी वाहन उन पर बैठकर चल रहे हैं देवता, लेकिन प्रत्येक देवता को यह अनुभूति हो रही है कि श्री गणेश जी महाराज पैदल ही हमारे आगे आगे चल रहे हैं।
पहले तो लोग यही सोच रहे थे कि इस अग्र पूजा के प्रकरण में, धरती की प्रदक्षिणा के प्रकरण में केवल गणेश जी ऐसे हैं जो एक जगह बैठे रह जाएंगे, बाकी तो किसी को पहला नंबर, किसी को दूसरा नंबर, किसी को तीसरा नंबर। सांत्वना पुरस्कार तो बहुत लोगों को मिलेगा, सांत्वना पुरस्कार में कुछ खर्च नहीं लगता है। ठीक है, आपने भी मेहनत किया, ठीक है, अच्छा। पर आश्चर्य है, सबसे आगे गणेश जी, सबसे आगे गणेश जी इस सृष्टि में प्रथम पूज्य कौन, जिसकी नाम में ऐसी अपूर्व निष्ठा हो। जिसकी नाम में निष्ठा नहीं है वो पूज्य नहीं हो सकता। महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गोस्वामी जी ने विचार किया तो सबसे श्रेष्ठ नाम जापक गणेश जी हैं, सबसे पहले गणेश जी को बुलाओ, ये हमारी हाजिरी जल्दी पहुंचा देंगे वहां तक, नाम निष्ठ है ना। गणेश जी को बुलाया, गणेश जी को पुकारा। इतना प्रसिद्ध है ये पद, विनय जी का ये पद तो इतना प्रसिद्ध है कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ ये पद गुनगुनाते हुए लोग जरूर मिल जाएंगे। जिन्हें शायद ये भी पता ना हो कि ये पद कहां का है, विनय पत्रिका का है, उनको भी ये पद। हमारे वृंदावन में रासलीला वाले, रामलीला वाले, तो इस पद के बिना रामलीला तो दुनिया के किसी कोने में शुरू नहीं हुई थी। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति, द्रुत में, हाँ, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए। शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गाइए, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, बस ही राम सिय मानस,
मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत बसही राम सिय मानस मोरे बोलो नाम निष्ठ श्री गणेश जी महाराज की। ये जो आज की हमने कथा सुनाई है ना उसका प्रकट दर्शन बिल्कुल सामने हो रहा है। इधर गणेश जी राम नाम की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उधर बाहर में ऊपर शंकर जी बैठे हैं, गंगा जी की धारा चल रही है, बीच में राम नाम लिखा है और गणेश जी महाराज प्रदक्षिणा कर रहे हैं। धन्य है किस जिसकी भी कल्पना में ये आई हुई बात, वो धन्यवाद देने की होगी। इतना बढ़िया उसने दृश्य को साकार किया है, वो धन्यवाद देने की होगी। गाइए किसको गाइए? बोले गण के पति को गाइए, जगवंदन को गाइए। गण गण शब्द समूहवाची है, रुद्र गणों के स्वामी होने से तो उनका गणपति नाम है ही है, गणाध्यक्ष गणपति। गणानां त्वा गणपतिग्गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्गुं हवामहे। बसो मम आहम जाने गर्भधमात्म जासि गर्भधम। गणानां त्वा गणपतिम आवाह हवामहे, हवा मने आवाहयाम। गण शब्द का अर्थ समूह है, किसका समूह? बोले ज्ञान कर्म उपासना के जो विविध साधन समूह हैं, उन साधन समूह का स्वामी श्री राम नाम है। और उस श्री राम नाम के परम परम उपासक श्री गणेश जी महाराज हैं, ऐसे श्री गणपति की हम उपासना उनको गाते हैं। अथवा गणानाम ईशः गणेशः, गणानाम पति गणपति, गणानाम भक्त गणानाम, जो भक्त जन हैं, भक्त गण हैं, भक्तों का समूह है, उनके जो पति हैं अर्थात जो भक्तराज गणपति हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। वृंदावन के श्री भगवत रसिक जी महाराज जी कहते हैं, हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तिन संगति। उले साधुओं का जो समूह है गण है, उस गण का पति कौन है? मुख्य महंत कामरति गणपति। गणपति अज महेश नारायण, जे नर असुर मुनि पशु पक्षी, जे हरि भक्ति परायण, हम सो इन साधुन सो पंगति। इसलिए गणपति जो नाम जापकों का समूह है, जो नाम निष्ठों का समूह है, जो भगवत प्रेमियों का समूह है, उसके जो स्वामी हैं। हम आप सबके माला फेरने वाले झूठे दो चार माला जो फेर लेते हैं, उनके मालिक कौन? राम राम करने में आदर्श कौन? महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। वे गणेश जी कैसे हैं? बोले वो रुद्र गणों के स्वामी तो है ही हैं। छंद शास्त्र में भी गण होते हैं, जगण मगण भगण ये सब होते हैं। व्याकरण शास्त्र में भी गण पाठ होता है, रस छंद अलंकारों के भी गण होते हैं। रस छंद अलंकार रूप जो गण हैं उनके जो पति हैं, अथवा व्याकरण न्याय ज्योतिष आदि जो गण हैं उनके जो पति हैं, अथवा पुराण गणों के जो पति हैं, अथवा नाम जापकों के जो पति हैं, अथवा
ज्ञान कर्म उपासना का जो समूह है वो जिनसे प्रेरणा पाता है उस नाम महाराज को जिन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है वे गणपति। समास बदल देंगे तो अर्थ हो जाएगा। ऐसे जो गणपति हैं वे जगबंधन हैं। जगबंधन हैं। जगबंधन कौन? बोले महा महा महिमामय नाम का जिसने वंदन किया वो जगबंधन हो गया। आप भी जगबंधन बनना चाहते हो तो नाम महाराज की शरण हो जाओ। महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अरे भाई कहां कर्मकांड में अटके पड़े हो, असली तात्पर्य को नहीं समझते। बिना नामनिष्ठ संत के स्मरण के आपकी कोई पूजा कोई उपासना कोई कर्मकांड निर्विघ्न नहीं है। इसका मतलब है नाम जापक का पावन स्मरण ही हमारी क्रिया को निर्विघ्न बनाता है निर्दोष बनाता है अभीष्ट की पूर्ति में सहायक बनाता है। ये गणेश जी का प्रथम स्मरण इस बात को प्रमाणित करता है। जगवंदन और कैसे हैं? बोले शंकर सुवन। शंकर के सुवन है। गोस्वामी जी का प्रत्येक शब्द बहुत गंभीर भाव को लिए हुए है।